हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं हम्बर्ट टोटा के पीस रिपोर्ट के बारे में। यहाँ पर आपको पता होगा कि जो अफगानिस्तान है और श्रीलंका है उनके बीच में जो है 3 ODI जो है वो शेड्यूल है, जिनका हम लोग देखेंगे कि किस तरीके का सिनेरियो जो है बन सकता है हम्बर्ट टोटा पे, और ये पीस रिपोर्ट जो है आपको किस तरीके से मदद कर सकता है उसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे, देखेंगे कि कैसा सिनेरियो जो है वो रहने वाला है। और बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देखोगे ना बाउंड्री डायमेंशन जो है वो हम्बर्ट टोटा का काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो बाउंड्रीज एरिया है वो बहुत ही जो है वो बड़ा नहीं रखे जाते हैं, नॉर्मल सा बाउंड्रीज एरिया जो है वो रखे जाते हैं। और यहाँ पर ये भी देखा है कि काफ़ी ऐसे जो है रन बनता है, जो कि आपको LPL हुआ था, श्रीलंका प्रीमियर लीग, तो आपको या आइडिया होगा कि हाँ बहुत जो रन है यहाँ पे उसमें बनते हुए नज़र आए। तो क्या ODI में जो इतना रन बनेगा कि नहीं बनेगा उसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या क्या सिनेरियो रहा है। तो सबसे पहले, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल बटन नहीं क्लिक हुए तो कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर लेना ताकि सबको जो है बेनिफिट मिलते रहे। इसलिए अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हैं कि विनर सीजन एंट्री में बहुत ही से प्रॉफिट आप उठा सको, और चाहे वो जो है वो ब्लास्ट में हो, चाहे इस मैच में हो, या फिर जो है दूसरे मैच में, तो आप जो है इस व्हाट्सअप नंबर पर जुड़ सकते हो। साथ में आप कॉल पर सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, और ड्रीम इलेवन क्लब स्क्वाडी के लिए भी जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको इसे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आप देखोगे अगर हम लोग पिच की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखा जाए कि हम्बर्ट टोटा पे तो जो है एक बैटिंग ग्राउंड पिच जो है वो आपको देखने को मिलता है, यानी कि जहाँ पे रन जो है काफ़ी अच्छा खासा बनते हुए नज़र आता है। और इसका ये भी प्रूफ है कि पांच मैचेस देखोगे तो आपको लास्ट पांच मैचेस में देखने मिलेगा 4 मैचेस ऐसे थे जिसमें से जो है वो 300 से ज़्यादा रन बना है, और सिर्फ एक मैचेज ऐसा था जिसमें जो है थोड़ा सा कम रन बना है, लेकिन जो कम रन था वो भी काफ़ी अच्छा खासा रन था आप टीम में देखोगे उसके हिसाब से। इसलिए हम बॉलर की बात करते हैं तो इक्वली जो है यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वो फास्ट बॉलर हो या फिर स्पिन बॉलर हो, क्योंकि ODI में आप जनरली यहाँ पर देखोगे तो 13 विकेट का जो है एवरेज है पर मैच, यानी कि हर मैच में जो है वो 13 विकेट के आसपास गिरता है। 13 विकेट गिरने का मतलब कि किसी से 6 गिर गया तो किसी से 7 गिर गया, किसी से 8 गिरा तो किसी से 6 गिरा, या फिर किसी से जो है 3, 4, 5 गिरा, इस तरह से जो है सीनरी आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। तो एक अच्छा सीनरी जो है वो रहते हुए नज़र आता है, तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसलिए आप बैट्समैन की बात करते हैं तो बैट्समैन पे इस ग्राउंड पे जो है काफ़ी अपर हैंड है, यानी कि बैट्समैन को जो है ज़्यादा मदद मिलता है एज़ कम्पेयर टू जो बॉलर्स है उनका सहारे। और ODI में आप ओवरेज रन भी देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि 170 रन से जो है आसपास जो है यहाँ पे 270 जो है सॉरी क्या है एवरेज है। अब 270 का एवरेज होना जो है ये दर्शाता है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा रन जो है बन सकता है, और इवन 270 के आसपास अगर किसी ग्राउंड पे एवरेज है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहाँ पे 300 रन बनाना बहुत ही आसान होगा, एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे अगर मान लो 200 एवरेज है वहाँ पे 300 बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखना। अब पिछले 5 मैचेस जो है यहाँ पे जो हुए हैं उनमें से 300 जो है वो 4 मैचों में बना है, लेकिन मैं जो है यहाँ पे 2 मैचेज जो आपको बताऊंगा और दिखेंगे किस तरीके से जो है दोनों मैचेज रहा था, क्योंकि दोनों मैचों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो आपको देखने में मिलेगा। जो सेकेंड लास्ट मैच था वो आपको देखने में लगेगा कि यहाँ पे 10 जुलाई को हुआ था 2017 में, और हुआ था जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच में, जहाँ पे श्रीलंका ने जो है 204 रन बनाया था और श्रीलंका 203 बनाया था, जिम्बाब्वे जो है 204 बना के जीत गया था उस मैच 3 विकेट से, जहाँ पे फास्ट बॉलर को देखोगे तो आपको जो है 4 विकेट मिला था और स्पिनर को देखोगे तो आपको जो है 11 विकेट मिला था, यानी कि स्पिनर का काफ़ी अपर हैंड रहा था मैच में। और तो ओवरऑल देखो तो आपको 15 विकेट जो है दोनों टीमों में मिला के देखने को मिला। आप देखो कि यहाँ पे राजा का जो है 3 विकेट मिला था, क्रीमर का जो है 2 विकेट था, इसलॉ कदारा का जो छटारा का जो है वो 1 विकेट था, सेन विलियम्स का जो है 1 विकेट था, विलर का जो है 1 विकेट, श्रीलंका की तरफ से अखिलेश धनंजय का जो है वो आपको यहाँ पर देखने मिला 4 विकेट मिला था, मलिंगा को 2 विकेट मिला था, और इसके अलावा जो है आप देखोगे यहाँ पे जो असिला गुणरत्न थे उनको जो है 1 विकेट मिला था। तो ये सीनरी जो है आपको रहा था इस मैच में। बैटिंग की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये एक लास्ट 5 मैच में से एक लौता मैच था जहाँ पे जो आप देखोगे तो आपको जो है 200 के आसपास रन बना था, इसके जो एवरेज रन है उससे ऊपर नहीं किया था। अब बात करते हैं यहाँ पे श्रीलंका की तरफ से, देखो श्रीलंका की तरफ से 2 बैट्समैन जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए थे, गुणतिलका और गुणरत्न, तो ये जो है 50-50 दोनों रन बैट्समैन ने जो है बनाए थे यहाँ पे। जिम्बाब्वे की तरफ से देखोगे तो मसदाक जब का था 43 रन, इसके अलावा 73 रन, इसके अलावा देखते हैं सुलमोन का जो था 43 रन, और आप देखोगे यहाँ पे तो आपको जो है तारिसाई का जो था 37 रन, तो ये सीनरी जो आपको यहाँ पे देखने को मिला। अब बात करते हैं इससे बाद का जो मैसेज हुआ था, जो कि लास्ट मैच यहाँ पर हुआ था 2020 में 26 फरवरी को, और वो मैसेज आप देखोगे तो आपको श्रीलंका और वेस्टइंडीज़ के बीच में जो है देखने को मिला, जहाँ पर श्रीलंका का देखोगे तो आपको 345 रन जो है श्रीलंका बनाया था, जो कि काफ़ी अच्छा जो है रन था, और वेस्टइंडीज़ यहाँ पर 184 रन जो है बना के 161 रन से जो है वो हार गया था श्रीलंका से। जहाँ पे देखोगे तो फास्ट बॉलर को जो है 10 विकेट मिला था और स्पिनर को जो है आप देखोगे तो यहाँ पे 6 विकेट जो है मिला था, और एवरेज आप देखोगे तो यहाँ पे जो है लास्ट मैच में कितना था 15 विकेट था, यहाँ पे कितना है 16 विकेट है। तो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आप देखोगे ना तो देखो रन भी जो है बहुत ही ज़्यादा बन रहा है हाई,
विकेट भी देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है वो 4 विकेट तो रह गया इसमें, तो एक अच्छा सीनरी जो है विकेट में भी जो है देखने को मिला। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बात करते हैं तो कॉटरेज को जो है 4 विकेट मिला था, एजोरी जोसफ को जो है 3 विकेट मिला था, यानी कि इनके किसी भी स्पिन बॉलर को जो है कोई भी विकेट नहीं मिला था। और श्रीलंका की तरफ से बात करें तो वांगडू हसरंगा को 3 मिल गया था। इसके अलावा जब देखोगे तो नोएल प्रदीप को जो है 2 मिला था, और इसके अलावा देखोगे तो आपको जो है लक्षण को जो है 3 मिला था। तो ये जो दोनों स्पिन बॉलर थे इन्हीं को विकेट मिला था, बाकी देखोगे तो नोएल प्रदीप को 2 मिला था, एंजेलो मैथ्यूज को जो है 1 मिला था। ये सीनरी जो आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। अब बात करते हैं इन दो मैचों से हमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का जो है पिच रहेगा। बॉलिंग में बैटिंग में भी देख लेते हैं तो वहाँ पे जो है 2 सेंचुरी आया था श्रीलंका की तरफ से। ऑफकोर्स जब 300 रन बनता है तो आपको सेंचुरी जो उसमें चाहिए, जिसमें से आप देखोगे एक अविष्का फर्नांडो का 127 रन का, कुशल मेंडिस का देखोगे तो आपको जो आया था 119 रन का। अब बात करते हैं कैसा सीनरी जो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखो कि पिच जो है वो बैटिंग पिच है, विकेट हालांकि गिरेगा लेकिन बैटिंग में जो है काफ़ी अच्छा रन बनेगा, और कोई इक्का दुक्का रह गया यहाँ पे रुक गया तो चांसेस रहेगा कि सेंचुरी जो है लगा सकता है, इवन हाफ सेंचुरी तक जो है पहुँच सकता है बहुत ही जल्दी। तो इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस ग्राउंड पे। लेकिन शुरुआत में आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे विकेट जो है शुरुआत में जा सकता है, क्योंकि स्विंग जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिलता है, और किसी भी ग्राउंड पे जब स्विंग शुरुआत में मिलेगा तो एक काफ़ी अच्छा जो है अच्छा विकेट जो है मिल सकता है। और मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैच का टाइमिंग आप देखोगे तो 10 बजे सुबह में है, और 10 बजे सुबह में जो है ग्राउंड पर थोड़ा सा नमी रहता है, तो वैसे सीनरी में जो है थोड़ा सा विकेट जो है शुरुआत में मिलने के चांसेस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यही शाम के मैसेज रहता थोड़ा सा नमी कम रहता तो थोड़ा सा स्विंग कम भी रहता, तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन अगर एक बार जो है 4-5 ओवर निकल जाता है यहाँ पे तो एक अच्छा रन जो है आप देख सकते हो। और साथ में जो मिडिल ओवर है उसमें जो है आप स्पिनर देखोगे कि जैसे जैसे ODI है 5 घंटे का मैसेज होता है, तो 10 बजे से लेकर मान लो 3:30-4 बजे तक मैसेज होगा। इस बीच में आप मैसेज देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि बीच में जो है कि दिन ऐसा टाइम भी आएगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो धूप रहेगा ग्राउंड पर, तो उसमें पीछे जो है सूखते जाएगी, जिसमें जो इम्पैक्ट है वो स्पिन बॉलरों का बढ़ते जाएगा। और अफगानिस्तान की तरफ से आप वैसे भी देखोगे तो जो स्पिनर है काफ़ी अहम भूमिका निभाता है, और इवन स्पिनर का जो संख्या है वो आप देखोगे श्रीलंका में भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो एक अच्छा सीनरी जो आपको यहाँ पर देखने वाला मिलने वाला है, और तो इसी सीनरी के लिए जो आपको यहाँ पर तैयार होना है। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते कि विनर सेशन एंट्री में बहुत इसे प्रॉफिट उठा सको, जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर आपको जुड़ जाना है, साथ में कॉल पर डिस्कस करके जो है टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, और ड्रीम इलेवन के लिए आप स्क्वाडिंग इलेवन पर जुड़ सकते हो जहाँ पर आपको इसे रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। तो होप से वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन क्लिक कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए।